है जो बहुत सारे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को पता है, वो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं। अब देखो, मारुति सुजुकी कंपनी में कौन से लोगों के लिए जॉब है, कौन से लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। देखो, मारुति सुजुकी कंपनी का जब भी नाम आता है ना, मारुति सुजुकी कंपनी एक हाई पेड सैलरी जॉब आपको ऑफर करती है, डिप्लोमा लेवल पे भी। और स्टार्टिंग की अगर हम सैलरी की बात करें मारुति सुजुकी, वो भी काफ़ी अच्छा है। अब देखो, दो पहलू है इसके। मारुति सुजुकी एक थर्ड पार्टी वेंडर भी हायर करती है, लेकिन मारुति सुजुकी अपने कैंपस में भी रिक्रूटमेंट करती है, मास रिक्रूटमेंट करती है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी मारुति सुजुकी जाती है। तो कई सारे माइंडसेट है उसमें कि ऑब्वियसली कि आप किस तरह से लेकर के जाना चाहते हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे उसके पॉजिटिव टर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ों पर जानना जरूरी है। सबसे पहले बता दूं कि मारुति सुजुकी के नाम पे फ्रॉड पना बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मारुति सुजुकी का ऑफर लेटर तक आपको मेल कर देंगे, आपको एड्रेस पे सेंड कर देंगे और आपसे बोलेंगे 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, जितना अमाउंट वो ले सकते हैं आपसे लेंगे, बोलेंगे मारुति सुजुकी में जॉब लगवा दूंगा। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहिए। ये ऐसे फ्रॉड लोग हैं कि मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ करप्ट कर सकते हैं और आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो देखो, पैसा कमाने के लिए पैसा देना क्यों, सीधे से फंडा है कि पैसा आप कमाने जा रहे हो, पैसा देने नहीं जा रहे हो। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बच के रहो कि फ्रॉडपना का शिकार ना हो। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फ्रॉडपना का शिकार। अभी 4 to 5 मेंबर ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे आए, बताएं मेरे को कि सर पॉलिटेक्निक में मारुति सुजुकी में के नाम पे मेरे से पैसा ले लिया, मेरे को जॉब नहीं दे रहा। तो ये इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। मैं वीडियो बना के बताता रहता हूँ, आप लोग बच्चे इसके, ये स्कैम है एक तरह से। ऐसे स्कैमर को पकड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये हर साल एक नया चेहरा लेकर के आते रहते हैं। हर महीने जब जब पॉलिटेक्निक स्टूडेंट पास आउट होते हैं तो इनका एक नया चेहरा आता है, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हो ना, वो माइंडसेट इस तरह से रखो कि आपको इंटरव्यू बेस पे सेलेक्ट कर लिया जाए। मारुति सुजुकी की वेबसाइट पे जाओ, मैं मारुति सुजुकी की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। मारुति सुजुकी की वेबसाइट पे डायरेक्ट आप जाओ, उस वेबसाइट पे डायरेक्ट आप चीज़ें चेक करो कि कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह से चीज़ें हम कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली जब चीज़ें चेक करोगे ना, तो वहाँ पे आपके लिए चीज़ें ईजी होंगी और वहाँ से आप एक नए तरीके से काम कर सकते हो, वहाँ पे एक नए तरीके से अप्लाई कर सकते हो, उसके कैंपस में जा सकते हो, वहाँ से आप ट्रेनिंग करोगे। देखो, मारुति सुजुकी डायरेक्ट ऑन रोल जॉब पर लेकर नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आप फ्रेशर होते हैं, आपको पता नहीं होता। आपका 2 महीने से 6 महीने तक की ट्रेनिंग करवाती है मारुति सुजुकी, ट्रेनिंग करवाती है, फिर 1 साल का बॉन्ड भी लेती है, उसके बाद फिर आपको ऑन रोल जॉब पे लेकर के आती है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और कंप्यूटर साइंस और आईटी के भी लोग आ सकते हैं। कभी कभी सिविल वालों की भी जरूरत होती है तो भी मारुति सुजुकी में आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की सबसे ज़्यादा यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकलती है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में जो लोग इंटरेस्टेड हो मारुति सुजुकी में जॉब करने के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली मारुति सुजुकी की वेबसाइट पर अप्लाई करो, हो सकता है टाइम लगे, एचआर की कॉल आने 1 महीने 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वहाँ से ऑथेंटिसिटी रहेगी कि नहीं, आपको वहाँ से जॉब मिलेगी। इंडिया में ही, इंडिया से बाहर भी हर जगह पे मारुति सुजुकी के लिए आपको जॉब है, लेकिन वो अप टू यू है कि आप उस चीज़ों को किस तरह से लेते हैं, चीज़ों को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, चीज़ों को किस तरह से आप लेकर के चलते हैं, ये ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप एक प्रॉपर वे में लेके चलो, ये नहीं कि किसी तरह से हवावाई में चीज़ें उसी तरह से कर लो। प्रॉपर वे में करियर बनाओ, प्रॉपर वे में जॉब लो। और मारुति सुजुकी एक अच्छी कंपनी है जहाँ पे जॉब पा गए, आप लाइफ टाइम ऐसी कंपनियों में जॉब कर सकते हो। ह्यूज अपॉर्चुनिटी आपके लिए और बेहतरीन ऑप्शन है, करियर अपॉर्चुनिटी भी बेहतरीन है आपके लिए। तो उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जब तक आप आओगे नहीं, जानोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक आप कैसे अप्लाई करोगे। तो मारुति सुजुकी में अगर जॉब अप्लाई करना है, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और टेलीग्राम पर जो लोग हो पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल टेलीग्राम पे, वहां पे जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।